नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सिंह है और मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही अच्छा सा लेक्चर आप लोग के सामने। और गाइस, आज के लेक्चर में मैं आप लोग के साथ में डिस्कशन करूंगा प्रेसिडेंट्स वीटो पावर, राष्ट्रपति की जो वीटो वाली शक्ति है उनको मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। बट उसके पहले गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि जीएस के जितने भी आप सब्जेक्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं सारे मैं आप लोग के साथ में डिस्कशन करता हूँ। और इसके अलावा गाइस, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आपने क्रेडेंशियल भी देख सकते हैं। अब गाइस, दिस इज माई कोड NG10, जिसका यूज करके गाइस आप सारे कैटेगरी की जितनी भी स्पेशल क्लासेस है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये मेरी प्रोफाइल है और आप जब मुझे यहाँ पे फॉलो करेंगे तो मेरे जो क्लासेस होंगी ना उसके नोटिफिकेशन भी जो है आप तक आने लगेंगी स्पेशल क्लासेस की। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस समय, अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मेरे दो कोर्स चल रहे हैं प्लस में, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और एक जीएस का प्रैक्टिस बैच। तो गाइस, आप सारे बैचेस को मेरी और सारी फैकल्टी की जो है वो प्लस क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्सेस मिलेंगे और सारी क्लासेस को आप लाइव भी देख सकते हो। इसके अलावा रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। हर लेक्चर का आपको जो PDF है वो भी यहाँ पर अवेलेबल होता है, तो ये बात भी आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखना है। डिटेल कोर्स के साथ साथ गाइस, आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स भी देखने को मिलेंगे जो रिविजन में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। आपको गाइस, अगर मैं बात करूँ तो हर संडे एक वीकली टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप इवेल्युएट करोगे कि भाई आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। हर फोर्थ सेशन जो होता है आपका प्लस में, वो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, तो इससे आप जो है टॉपिक से रिलेटेड अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। दोनों ही लैंग्वेजेस में गाइस, अगर बात करूं, बायलिंगुअल यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे और अनलिमिटेड एसेस आपको देखने को मिलता है सारे फैकल्टीज के लेक्चर का। तो इस समय गाइस, अगर बात करें तो SSC जो है उसका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं 6500 का है, बट ये आपको पे नहीं करना, जस्ट यूज कोड NG10 और इंस्टेंट आपको 10% जो है वो ऑफ अवेलेबल हो जाएगा। और गाइस, ये अगर मैं बात करूं, आप कोई सा भी कोर्स लेते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे तो आपको 10% ऑफ इस कोड के थ्रू अवेलेबल हो जाता है। अब गाइस, अगर मैं बात करूं तो SSC कैटेगरी में आपको एवरी वीक 30+ बैचेस लॉन्च हो रही हैं, 300 क्लासेस एवरी डे हो रही हैं गाइस यहां पे, और स्पेशल क्लास यहां पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। 40,000 आवर का रिकॉर्डेड कॉन्टेंट है, 20,000 गाइस यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अवेलेबल है। तो गाइस, आपको याद रखना है SSC कैटेगरी में आप सभी फैकल्टीज के लेक्चर आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के थ्रू देख सकते हो। अब गाइस, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अभी अनअकैडमी का 28 फरवरी को दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कॉम्बेट आ रहा है, और इस कॉम्बेट में गाइस अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको यहाँ पर गाइस, मैं बात करूँ, पूरा स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो आपको गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज का है यहाँ पे, तो ये भी आप एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड NG10। तो गाइस, जो लास्ट हमारा जो यहाँ पे अगर हम लोग गाइस बात करें जो कॉम्बेट हुआ था उसके ये विनर बच्चे हैं, ठीक है। अब गाइस, मैं यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग पढ़ने वाले प्रेसिडेंट्स वीटो पावर। आई होप कुछ बच्चों ने इसको सुना होगा, और नहीं भी सुना तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं इसको पूरा डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस, अगर मैं प्रेसिडेंट के वीटो पावर के बारे में बात करूं तो स्टार्ट कर लेते हैं, तो एक एक करके मैं यहाँ पे वीटो पावर समझाऊंगा। तो सबसे पहले गाइस, अगर मैं बात करूं जो प्रेसिडेंट का वीटो पावर है, सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि ये कौन से आर्टिकल में हमको देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ वीटो पावर के बारे में, तो प्रेसिडेंट का जो वीटो पावर है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिस आर्टिकल में देखने को मिलता है वो है आपका आर्टिकल नंबर 111, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखो कि भाई कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 111। उसके बाद गाइस, मैं बात करूं कि जो वीटो पावर है ये कितने टाइप्स की है, तो गाइस याद रखेंगे ये 3 टाइप्स की होती है, और अब मैं गाइस एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, अगर हम लोग बात करें हमारे फर्स्ट वीटो पावर से, और इसका नाम है दोस्तों एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। और गाइस, अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो के बारे में बात करूं तो इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परम वीटो, ठीक है। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परम वीटो। अब दोस्तों, अगर इस वीटो को हम लोग समझने की कोशिश करें तो देखिएगा ये वीटो पावर कैसा है। देखें, अगर गाइस सपोज करो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है गाइस किसी बिल को पास करती हैं, ठीक है, तो पास करने के बाद उस पे एसेंट लेने के लिए या फिर फाइनल अप्रूवल करने के लिए या फिर आप बोल सकते हो साइन कराने के लिए किसके पास भेजती हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास भेजती है। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, या तो ये साइन कर सकता है यानी कि यस कर सकता है, या तो ये साइन करने से मना कर सकता है, या मतलब हाँ या ना में आंसर कर देगा, और इसको ही बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। अब ये आप सपोज करो कि कोई गवर्नमेंट है जिसने कोई बिल पास करा करके भेजा है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, फाइनली साइन करने के लिए, उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा।
पर तभी चुनाव होते हैं और दूसरी सरकार आती है, तो दूसरी सरकार क्या बोलती है कि आपके पास गाइस जो पार्लियामेंट से जो बिल पास करके आ चुका है, आप उसकी तरफ क्या कर दो, एब्सोल्यूट वीटो कर दो और आप उसको रिफ्यूज कर दो, है ना। तो इस तरीके से गाइस एब्सोल्यूट वीटो जो है वो वर्क करता है। आई होप एब्सोल्यूट वीटो जो है ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं एक और वीटो पावर देखते हैं, टोटल थ्री पढ़ेंगे। एक है दोस्तों आपका सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो। अब अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो सस्पेंसिव वीटो होता है, इसी को गाइस अगर मैं बात करूं हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको आप लोग निलंबनकारी वीटो ही बोल सकते हो। और निलंबनकारी की जगह पर एक और भी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, पुनर्विचार वाला वीटो भी आप इसे बोल सकते हो। निलंबनकारी या फिर पुनर्विचार वीटो भी आप इसको बोलते हो। तो याद रखेंगे निलंबनकारी पुनर्विचार वीटो दोनों एक ही है और इंग्लिश में तो एक ही नेम है, और वो नेम क्या है गाइस, सस्पेंसिव वीटो। अब देखो ये क्या होता है, सपोज करें दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना, इन्होंने गाइस किसी बिल को पास करा करके फाइनली साइन करने के लिए भेजा किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल देगा कि नहीं भाई आपके बिल में कोई इश्यू है, आप इसको रेक्टिफाई करिए। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल को एक बार क्या कर सकता है, रिकंसीडर करने के लिए भेज सकता है। और ऐसा गाइस अगर हम लोग बात करें जो पीपल्स प्रेसिडेंट थे, जो जनता के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने किया था। जब मैं गाइस बात करूं जब पार्लियामेंट के मेंबर की जो गाइस सैलरी बढ़ाने का एक बिल आया था, तो उन्होंने बोला था कि आप लोग इसको एक बार रिकंसीडर करिए, है ना। और याद रखना पर इस वाले वीटो का इस्तेमाल राष्ट्रपति सिर्फ एक बार करता है। मतलब ये कि अगर जो लोकसभा और राज्यसभा इसमें बिना चेंज करे दोबारा जब प्रेसिडेंट के पास भेजेगी, तो उस समय जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको रिकंसिडर करने के लिए नहीं भेज सकता, उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसको साइन करेंगे, ठीक है। और इससे भी खतरनाक गाइस जो सबसे खतरनाक वाला जो वीटो पावर है, जिसको गाइस आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, इसको गाइस आप लोग क्या बोलते हो, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो को गाइस अगर मैं बात करूं तो हिंदी में आप इसे बोलते हो जेबी वीटो, ठीक है ना, जेबी। पॉकेट को अपन यहाँ पे क्या बोला गया, जेबी वीटो। अब ये जेबी वीटो क्या है गाइस, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिएगा सपोज करिए लोकसभा और राज्यसभा इसने फिर से गाइस पास कराने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना तो इसके ऊपर यस और नो बोल रहे हैं, यस और नो, ना तो यस और नो बोल रहे हैं, ना तो गाइस अगर मैं बात करूं वो रिकंसीडर करने को बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो रिकंसीडर करने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, वो एब्सोल्यूट वीटो भी नहीं कर रहे हैं। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो अपने पॉकेट में रख करके भूल जा रहे हैं। मतलब वो उसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं कर रहे, कोई बातचीत ही नहीं कर रहे कि भाई साहब ये बिल है इसको इसको आप रिकंसिडर करिए या फिर मैं इसको रिजेक्ट करूं, कोई बात ही ना करे। अगर गाइस अगर हम लोग बात करें प्रेसिडेंट, है ना, बिल आने के बाद में, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग पॉकेट वीटो बोलते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल गाइस मैं आपको बताता हूँ कि बात है 1986 की, जब हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है ना, नाम था इनका ज्ञानी जेल सिंह। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस समय ना एक बिल गया था इनके पास जिसका नाम था पोस्टल अमेंडमेंट बिल, यस और नो। अगर हम बात करें पोस्टल अमेंडमेंट बिल, तो गाइस इस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी, और राजीव गांधी जी ने बोला था इनको कि भाई साहब आप क्या कर दीजिएगा, पॉकेट वीटो कर दीजिए, आप जो है इसके बारे में कोई बातचीत ही ना करिए। तो गाइस यहां पर एक बार मैं अगर क्विकली आपको रिमाइंड कराऊं, तो एब्सोल्यूट वीटो मतलब आपके पास फाइनली रिजल्ट आ चुका है, यस और नो, है ना, यस और नो का रिजल्ट आ चुका है। प्रेसिडेंट बोल रहा है हाँ मैं साइन कर देता हूँ, या फिर वो बोल रहा है कि नहीं भैया मैं साइन नहीं करूंगा। और यहां पर मैं बात करूं तो एक बार वो रिकंसीडर करने के लिए भेज सकता है, ठीक है ना, सस्पेंसिव वीटो। और यहां पर दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो वो बिल को रख करके कुछ बोलेगा ही नहीं उसके बारे में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो। आई होप गाइस आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप जो है इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। और सारे बच्चों को मैं यही कहूंगा गाइस कि अगर सेशन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।